उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 12 मार्च से होगी राम कथा। पहुंच रहे हैं कुमार विश्वास। राधा रानी सेवा ट्रस्ट के द्वारा कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि राधा रानी सेवा ट्रस्ट के द्वारा राम कथा 12 मार्च को आयोजित होने जा रही है। राम कथा की जानकारी पूर्व विधायक राजेश कुमार मिश्रा और पप्पू भरतौल ने दी। राम कथा बरेली के इंटरनेशनल सिटी में होने जा रही है। बहुत अच्छी कथा का आयोजन कुमार विश्वास के द्वारा अपने अपने राम द्वारा किया जाएगा। कथा सुनने के लिए एंट्री पास लागू किया गया है। बिना पास के एंट्री नहीं होगी। इसमें 12 मार्च को मुक्कती में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद रहेंगे। यह जानकारी राधा रानी ट्रस्ट के संरक्षण वर्तमान विधायक पप्पू करतौल ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि 13 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह चौधरी रहेंगे। इस कथा का आयोजन राधा रानी सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इसमें श्रद्धालुओं के कुमार विश्वास अपने मुख से करवाएंगे स्वदान। आज के कार्यक्रम के बारे में प्रेस को क्या सूचना देना चाहिए? प्रेस के लिए यही सूचना है कि अपने अपने राम जो कथा हो रही है, अपने अपने राम जो कथा हो रही है वो बरेली के इंटरनेशनल सिटी में हो रही है और बहुत अच्छी कथा है। हम यही चाहेंगे कि सारे लोग सुने। बरेली से भी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं और हमने कथा के लिए पास लागू किए और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहले दिन जो 12 मार्च है उसमें 12 मार्च के लिए माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, माननीय धर्मपाल जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो, और माननीय अरुण कुमार जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वो आ रहे हैं। दूसरे दिन के लिए 13 तारीख के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी और उन्हीं के साथ में माननीय परिवहन मंत्री जी और उनके ही साथ में अलीगढ़ के सांसद हैं माननीय सतीश गौतम जी। तो उसके माननीय सतीश गौतम जी के प्रोग्राम में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। 13 तारीख को उनका सदन है इसलिए वो 12 तारीख को ही है जी। और रामकथा किसके द्वारा कराएगी? रामकथा तो कुमार विश्वास जी कह रहे हैं ना, और राधा रानी सेवा ट्रस्ट जो हमारी समिति है उसके द्वारा कथा करवाई जा रही है। स्थान इंटरनेशनल सिटी आईटी ऑफिस के पास सहजानपुर रोड पर है। ये बढ़िया जगह है, अच्छी जगह है और वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लोग जाएंगे कथा सुनने। शाम को 7 बजे से राम इच्छा तक। अच्छा, अभी इसी कथा के संदर्भ में थोड़ा अभी पीछे काफी विवाद रहे रामचरित मानस को लेकर के, काफी टिप्पणियां उठी उस चौपाई को लेकर, उसके संबंध में भी थोड़ा सा अगर आप कुछ। नहीं, रामचरित तो रामचरित मानस है, वो आज की थोड़ा ही है, वो कब से लिखी हुई है। विवाद करने के लिए कोई लोग अपनी रोटियां सेके तो वो सेकते रहे। राम भगवान तो पुरुषोत्तम है, उनके बारे में टिप्पणी करना गलत बात है। मैं तो किसी भी पार्टी को, वो तो किसी का नाम नहीं ले रहा मैं किसी व्यक्ति का, लेकिन उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। सर, ये कथा का शुभारंभ कब से कब तक का? ये कथा का शुभारंभ 7 बजे साय से और राम इच्छा तक 10-11 बजे तक तो चलेगा। सर, ये पहली बार हो रहा है कार्यक्रम आपके? नहीं, राधा रानी सेवा टेस्ट तो हमेशा कराती रहती है, हर वर्ष कराती है, लेकिन कुमार विश्वास जी का प्रोग्राम पहली बार हो रहा है अपने अपने राम। ठीक है, शुक्रिया जी। राधा रानी सत्संग समिति हर साल राम कथा कहलाती है जी, तो इस बार डॉक्टर कुमार विश्वास को बुलाने की क्या वजह रही? वजह क्या, कुमार विश्वास बढ़िया कथा कहते हैं राम कथा, और इंडिया में उनका देश विदेशों में नाम है, इसलिए बुलाया। इससे पहले राधा रानी सत्संग समिति ने जया किशोरी जी को बुलाया, 2 मरतबा जया किशोरी जी की कथा कर चुकी है, और धार्मिक कार्य जितने भी हैं सब राधा रानी संस्था द्वारा होते हैं। बदल जाते हैं तो बदल जाता, वो तो जनता की डिमांड पे और उस पे है। तो इस बार क्या विशेष बात रहेगी इस कथा में? अपने अपने राम के बारे में कुमार विश्वास जी बताएंगे और विस्तार से बताएंगे। ठीक।